Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from your California Public School. Yes, dear kids, today's date is 28 November 2020 and we are doing the 7th class 9th chapter case study of the Akbar. And in the previous video, we have to discuss about the Akbar's policy, Rajput policy and the religious policy we have to be discussed. So in today's video, we have to discuss about the little bit about the Akbar's administration. Main 3 points we have to discuss: central administration, provisional administration and Mansabdari system. So let we start. Akbar established a stable and people friendly empire. कहते पूरा स्थिर और लोगों के बीच में प्यार वाला empire उसने establish किया और उसने changes सेवरल चेंजेस की अपनी पॉलिसीज में ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बना सके, लोगों को कोई भी प्रकार की मुश्किल ना आए. अकबर आल्सो इंट्रोड्यूस सम पॉलिसीज ऑफ द स्टेट क्राफ्ट दैट वर ऑलरेडी प्रिवेंट इन द पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया. कहते कुछ उसने स्ट्रेटजीज अपनाई, पॉलिसीज अपनाई जो पर्शिया में और सेंट्रल एशिया में चल रही थी. Due to the extensive political expansion of their territory under the Mughals, Akbar released the need for the more centralized and efficient system of administration and revenue collection. कहते अकबर ने रिलाइज किया कि हमें और हमारी रेवेन्यू सिस्टम को और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाना होगा ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्ड अराउंड ऑल पावरफुल एम्परर. कहते जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारे जो पावरफुल एम्परर थे उनके इधर गिर था, सभी उसकी देख रेख करते थे. हिज डिसीजन ऑन मिलिट्री, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशली मैटर्स वर फाइनली. कहते एम्परर के ऊपर डिपेंड था, सारी पावर्स एम्परर के ऊपर थी. कोई भी डिसीजन लेना था, चाहे वो मिलिट्री था, पॉलिटिकल था, लॉ के अकॉर्डिंग था, एडमिनिस्ट्रेशन था या किसी को न्याय देना था, सबका डिसीजन कौन फाइनलाइज करता था? एम्परर. The emperor also functioned as the commander-in-chief of the armed force and supreme judge of all matters. कहते उसने आगे कुछ functions दिए हुए थे commander-in-chief को, army के related सारे सब कुछ उसने देखना था और जो भी matters वगैरह थे लड़ाई झगड़े के वो supreme judges उसने बनाए हुए थे. The term of ministers and officials assisted the emperor. These ministers were appointed, promoted and dismissed by the emperor himself. कहते मिनिस्टर्स उसने रखे हुए थे एम्परर ने अपने ऑफिस में और उनको अपॉइंट करना, उनको आगे प्रमोशन देना और उनको अपनी पोस्ट से हटा देना, डिसमिस कर देना. ठीक है, ऑल दीज वर्क्स आर डन बाय द एम्परर. सभी वर्क कौन करता था? एम्परर. नेक्स्ट इज द सक्सेस ऑफ द सेंट्रल सिस्टम डिपेंड अपॉन द एम्परर्स कॉम्पिटेंसी एंड हिज विजडम टू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. कहते उसकी सक्सेस सेंट्रल सिस्टम में कैसी बनी उसके ऊपर डिपेंड था कि वो कौन सी पोस्ट के लिए कौन से पर्सन को सही पोस्ट के लिए इफ दे हैव टू बी अपॉइंट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट देन द सेंट्रल सिस्टम वुड बी द गुड. तो सेंट्रल सिस्टम वो अच्छा होगा. अकबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड कौन कौन से मिनिस्टर्स इंक्लूड थे? वजीर और दीवान, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे, मीर बख्शी हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड पे मास्टर ऑफ ऑल मनसबदार्स को पेमेंट करते थे. ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड कुड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू द एम्परर फॉर मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स. मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स की कमांडेशन वो सारी एम्परर को देता था. चीफ सदर और द काजी वर द चीफ जज. मीर समन वॉज द सुपरवाइजर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड. दरागे दाग चौकी एंड मुश्तसबी ओवर सा द प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इन देयर रीजन. वैकली और प्राइम मिनिस्टर वॉज इन द एडवाइजर पोजिशन. ही डिडंट एक्सरसाइज एनी इफेक्टिव अथॉरिटी बट ओनली एक्टेड द क्रिमिनल सेरेमोनल्स हेड. एंड आफ्टर दैट अकबर हेल्ड रेगुलर मीटिंग इन देयर सीनियर ऑफिसर्स. सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी वेयर दीवानी खास
प्राइवेट ऑडियंस हॉल था, सिर्फ ऑफिसर साथी थे, एंड अकबर कंसिडर हिमसेल्फ एज द फादर एंड द गार्डियंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। अपने आप को फादर कहता था, लोगों के बीच में मिलता था, डेट इज द दीवाने आम। हियर अकॉर्डिंगली पीपल प्रेजेंटेड पिटेंशंस एंड प्रॉब्लम सो डैट द एम्परर कुड प्रोवाइड सोल्यूशन ऑन द स्पॉट। अपनी लोग प्रॉब्लम्स लेकर आते थे ताकि जो लोग की प्रॉब्लम्स वो सुने और ऑन द स्पॉट उसका उनको आंसर दे दे और उसे सॉल्व कर दे। नेक्स्ट इज अ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। द मुगल एम्परर वॉज डिवाइडेड इंटू 15 प्रोविजन्स में डिवाइड हुआ और उसे सूबा कहते हैं, अंडर अ गवर्नर और अ सूबेदार के अंडर थे। सूबेदार कुड एग्जर्ट कंट्रोल बोथ, उसके ऊपर मिलिट्री और सिविल अफेयर्स दोनों का इफेक्ट होता था एक सूबे का। प्रोविंसेस आगे डिवाइडेड थी डिस्ट्रिक्ट में सरकार और हेडेड बाय द फौजदार। आगे डिस्ट्रिक्ट टर्न होती थी स्मॉलर यूनिट्स में ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पारगाना हेड था शिकादर्स। ईच पारगाना कंटेन करती है टीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो मैनेज करते हैं उनके डेली अफेयर्स। ईच ऑफिस रिपोर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग सुपरवाइजर। हर एक ऑफिस अपने सुपरवाइजर को डेली रिपोर्ट देते थे। ऑल द विलेजेस इन द पारगाना जो गवर्न थे वो मुकदम के अंडर आते थे, पंचायत होती थी। फर्स्ट एम्परर, गवर्नर, सूबेदार और दीवान, फिर फौजदार, शिकादार और विलेज में मुकदम पटवारी और पंचायत। सो नेक्स्ट इज मनसबदारी सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम फॉर इफेक्टिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। द टर्म मनसन रेफर्स टू एन ऑफिस, और एक रैंक को मनसब टर्म रेफर करती है। मनसबदार वॉज एन ऑफिसर ऑफ द रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कहते एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक रैंक होता था उसका। ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सोल्जर्स। कहते डिसिप्लिन का मेंटेनिंग और सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एवरी ऑफिशियल्स इज इम्पेरिकल सर्विस वॉज गिवन अ मनसब और अ रैंक। हर एक ऑफिसर को जो मनसब के रैंक पर होता था उसे प्रॉपर से ड्यूटीज अपनी सर्विस करनी पड़ती थी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब, कि उसके जॉब कौन सी मिली है उसे। जो लोएस्ट रैंक वॉज ऑफिस इन चार्ज द 10 हॉर्समैन, जो जिसका सबसे लोएस्ट रैंक ऑफिसर था उसके पास चार्ज होता था 10 हॉर्समैन को उसने अपने अंडर रखने। हाइएस्ट मनसब ऑफिसर मेंटेनिंग 7,000 to 10,000 हॉर्समैन, तो उसने 7,000 से 10,000 हॉर्समैन की मेंटेन करना था। टॉप 3 मनसब्स वर रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। जो पहले 3 मनसब होते थे टॉप पर मनसब होते वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। मनसबदार्स वर अपॉइंटेड एंड प्रमोटेड एंड डिसमिस्ड बाय द एम्परर। मनसब्स की अपॉइंटमेंट, उनको प्रमोट करना, उनको डिसमिस करना, ऑल दीज वर्क्स आल्सो डन बाय द एम्परर। मनसबदार्स रिसीव्ड सैलरी इन अकॉर्डिंग्स विद देयर रैंक्स। जो मनसबदार से अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी रहते थे। जो मनसबदार से वो पेड होते थे जगीर्स बाद में, और इंटाइटल्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जगीर्स, कि उसने अपनी जो भी एरिया अंडर आता है उससे इतनी अमाउंट कलेक्शन करनी ही है। हाउएवर दे हैड नो अथॉरिटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर जगीर्स। एडमिनिस्ट्रेटर जगीर्स की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। मनसबदार रिसीव्ड सैलरी इन In the later years of his region, Akbar introduced the rank of Jat and Sawar. ये ranks उसने start किए मनसबदारी में। Jat means value given to the rank of the मनसबदार। मनसबदार की value होती है। It determined the status and salary of the individual मनसबदार। Individual मनसबदार की salary और उसका status को determined करता है, बताता है। Sawar इंडिकेटेड द नंबर ऑफ द हॉर्सेस प्रोसेस्ड बाय द मनसबदार। कितने हॉर्सेस उसके पास हैं वो चीज उसका बताता है। मनसब वॉज नॉट हेरिडेटरी, वो हेरिडेटरी नहीं था। इफ एनी मनसब हैज डाइड देन अगेन एनी हु हैज टू अपॉइंट द नेक्स्ट। द जगीर ऑटोमेटिकली रिवर्टेड टू द किंग ऑन द डेथ ऑफ द मनसबदार। मनसबदार की डेथ के बाद जो उसकी जागीर है वो ऑटोमेटिकली किंग के पास हो जाएगी। द किंग देन ग्रांटेड द मनसब टू समवन एल्स, तो वो मनसब किसी को भी दे सकता है।
अकबर मेंटेन्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी कंप्रेसिंग द कैलरी इन्फेंट्री आर्टिलरी एंड नेवी, कि सारी पैदल हॉर्स वाली सारी उसने आर्मी प्रॉपर वे से मेंटेन की हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है आर्मी की मनसबदार से वो यूजली इंटरेस्टेड होते थे सप्लाइंग ट्रूप्स के लिए आगे काम पहुंचाने के लिए। अकबर का कंट्रोल वेल ऑर्गेनाइज था, आर्टिलरी में लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे और उसने प्रैक्टिस की थी हॉर्स को बांधने की, ब्रेंडिंग हॉर्स होते थे, और मेंटेनिंग डिस्पिक्टिव रोल्स ऑफ द सोल्जर्स, जो रोल्स था सोल्जर का वो भी काफी ज्यादा वो प्ले करते थे। सो डेट इज अ मनसबदारी सिस्टम। सो होप अप टू हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थ्री, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मनसबदारी सिस्टम। सो आप होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच द वीडियो केयरफुली। आफ्टर दैट रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो स्टूडेंट्स, वेन यू हैव टू रीडिंग देन ट्राई टू सॉल्व द असाइनमेंट डैट इज रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो होप ऑल ऑफ यू हैव डू लाइक दिस। सो टेक केयर, बाय बाय।